गाइज, अगर आपका YouTube पर अब तक कोई चैनल नहीं है और आप यही सोचकर डर जाते हो कि भाई मैं YouTube पर अगर वीडियो बनाऊंगा तो मुझे जाहिर सी बात है फेस करना पड़ेगा कैमरे को और अच्छी अच्छी एडिटिंग मुझे करनी पड़ेगी, इवन मुझे बहुत अच्छे स्किल्स चाहिए कि भाई मैं स्टोरी कहाँ से लाऊंगा, कंटेंट कैसे क्रिएट करूंगा, ये सब चीज़ें आप मत सोचिए। अब आप अपना फेस बिना दिखाए भी वीडियो बना सकते हैं। वीडियो बनाने का पूरा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। अगर आप लोग कहानियों का चैनल बनाना चाह रहे हैं तो ये आज की वीडियो आप लोगों के लिए है, क्योंकि इसमें आपका फेस बिल्कुल नहीं है। इवन आपका ऑडियो भी रेडी है, आपकी स्क्रिप्ट भी रेडी है, आपकी वीडियो भी रेडी है, सब कुछ रेडी है और आप इस वीडियो को देख कर ये सारी नॉलेज ए टू जेड सीखने वाले हैं। टॉपिक को जल्दी से शुरू करते हैं। जो लोग हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लेकिन नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दें दोस्तों। और किसी भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन के लिए यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर आ जाओ, रेगुलर अपडेट आपको यहीं पर मिलती है एवरीडे। लिंक डिस्क्रिप्शन में उठाकर फॉलो कर लीजिएगा। हम लाइव आते हैं सैटरडे संडे सुबह 10 बजे, वार्तालाप वहाँ कर सकते हो। बात अगर मैं करूँ यूट्यूब की, तो आप एज अ कॉन्टेंट क्रिएटर ये ज़रूर सोचते होंगे कि भाई मैं अगर कोई भी वीडियो बनाना चाहूँ, शुरुआत भी करना चाहूँ, तो सबसे पहले मुझे एक कैमरे की ज़रूरत पड़ेगी, मुझे एक्सेसरीज में चाहिए, भाई अब मेरे पीछे ग्रीन स्क्रीन होनी चाहिए, बैकग्राउंड अच्छे होने चाहिए, रिंग लाइट वगैरह अच्छी चाहिए मेरे को। ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, आप घर में बैठे, अपने कमरे में बैठे, जहां आप बैठे हो उस पोजीशन में ही इस काम को कर सकते हो। पूरी मेकिंग वीडियो कैसे होगी इसके लिए आज इस वीडियो को एंड तक देख लेना, स्किप मत करना, पूरा सीख जाओगे। अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि इसमें स्कोप क्या है, देखो स्कोप बताना ज़रूरी इसलिए मैं पड़ता है कि आप लोगों को थोड़ा सा ये अंदाज़ा हो जाए कि हाँ, जिस काम को मैं करने जा रहा हूँ क्या मुझे उस काम से थोड़ा बहुत प्रॉफिट है या नहीं। अगर प्रॉफिट होगा जाहिर सी बात है आप तभी इसको करना चाहोगे, अदरवाइज कोई भी इसे नहीं करना चाहेगा। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ, मेरे पास हमारा यूट्यूब है, यूट्यूब सबके पास है, ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है हिंदी कहानियाँ और इसमें मोरल स्टोरी डाल दो या हिंदी कहानियां डाल दो, कुछ भी आप डाल दो। ये देखो यहाँ पर कहानियों को देखेंगे आप, 3 घंटे पहले वीडियो डाली है बंदे ने, 9.9 यानी 10,000 व्यूज़ हैं। इसके अलावा 2 दिन पहले देखो यहाँ पर, इस पर व्यूज़ देखो आप, यहाँ पर व्यूज़ 1,67,000 व्यूज़ हैं। थोड़ा सा और मैं नीचे चलूँगा तो और मैं आपको, अच्छा ये नहीं सिर्फ शॉर्ट्स पर भी आप देखोगे ना तो शॉर्ट्स पर भी इसके अच्छे खासे व्यूज़ हैं। यहाँ पर ये देखिए, ये शॉर्ट्स के व्यूज़ हैं। ये सारी चीज़ें आप भी कर सकते हैं, मैं आप लोगों को पहले बताना चाह रहा हूँ, दिखाना चाह रहा हूँ। लाखों में व्यूज़ आ रहे हैं, 2-2, 3-3 दिन में ये लाखों के व्यूज़ हैं और मिलियंस में भी हैं अगर आप यहाँ देखें। लेकिन इस सब चीज़ों के लिए आपको सिर्फ नॉलेज अच्छी चाहिए और इस वीडियो में वो भरपूर मिलने वाली है, कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। ये आपको वीडियो कैसे बनानी है, सबसे पहले आपको कहानियाँ निकालनी हैं। ये कहानियाँ फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ी हुई हैं, आपको बेशुमार मिल जाएंगी। आप अपने गूगल पे जाएंगे, वो भी मैं आपको बताता हूँ। स्टेप 1 कर लेना है आपको कहानियों के लिए। हम जैसे ही गूगल को सर्च करेंगे, हमारे पास यहाँ पर आता है चित्रा जीवन की कहानी, आप इसको सर्च करें, आपके सामने बहुत सारी कहानी आ जाएंगी। या अगर आप कोई शायर हैं या कोई कहानी आपके पास खुद की लिखी हुई है तो भैया इससे अच्छी कोई बात नहीं, उसको ही आप उठा लो। ये मैं बता रहा हूँ, अगर है नहीं है तो बता रहा हूँ कहाँ से निकालनी है, बहुत सारी ढेरों है भाई, जहाँ से आप निकालना चाहो वहाँ से निकाल लो। मैं कोई भी एक यहाँ पे ओपन कर देता हूँ। देखिए जैसे मैं यहाँ पर इसको ओपन कर रहा हूँ, ओपन करने के बाद हमारे पास कहानी आ गई है। देखो छोटे छोटे कमरे में बैठे संघर्ष करते हुए तमाम बच्चे, इस तरीके से की कहानी है। मुझे क्या करना है, इस पार्ट को कॉपी कर लेना है। आपके पास भी कहानियाँ हो सकती हैं या कहीं से भी आप ले रहे हो, ऐसी जगह से आ जाओ भैया, ढेरों है ढेरों, कुछ नहीं करना। क्या करना है आपको, इसको लॉन्ग प्रेस करना है और इसको कॉपी कर लेना है। मैं आपको थोड़ा सा पार्ट कॉपी करके बता रहा हूँ, आप अपने हिसाब से सारी चीज़ों को एडजस्ट कर लेना। कॉपी करने के लिए इसको कॉपी कर लेना है और कॉपी करने के बाद हमारे पास हमारा नोट है, इस नोट्स में मैंने इसको ऑलरेडी पेस्ट करा हुआ है, सेम वही कहानी है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसके बीच में एक छोटा सा ये गैप जो है ये ख़त्म कर देता हूँ, ये स्पेस वाला। अब क्या करना है, इस पूरी कहानियों को आपको सिलेक्ट ऑल कर लेना है और ऑल करने के बाद यहाँ से आप इसको क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे, बस कॉपी करके रखना है। अब ये तो आपका कंटेंट रेडी हुआ है, स्क्रिप्ट रेडी हुई है। इस स्क्रिप्ट के लिए आपको अब ज़रूरत पड़ेगी ऑडियो लेने की और इसके विजुअल्स के लिए वीडियोस लेने के लिए। सबसे पहले हम चलते हैं हमारी विजुअल्स की तरफ।
विजुअल्स मीन्स कि हम वीडियो का कुछ पार्ट ले लेते हैं। इसके लिए फिर से हम यूट्यूब पर गूगल पर जाएंगे, पिक्सा बे करके एक आपको AI फ्री ऑफ कॉस्ट वेबसाइट मिल जाएगी, इसको टैप करेंगे। टैप करने के बाद आपको यहाँ पर आ जाना है। सबसे पहले आपको यहाँ वीडियो का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, इस वाले वीडियो का ऑप्शन को आपको टैप कर देना है। टैप जब करेंगे तो यहाँ पर सर्च बार आपको दिख रहा होगा, इस सर्च में आपको क्या करना है, देखो हमने जो कहानी ली थी उसमें क्या लिखा है, छोटे छोटे बच्चों को तमाम पढ़ाई की हमने नॉलेज के बारे में ले रहे हैं, तो हमें बच्चों के लिए क्या, स्टूडेंट्स के लिए कुछ भी चाहिए, तो हम यहाँ पर सर्च करेंगे स्टूडेंट्स। और जैसे ही हम यहाँ पे आ जाएंगे, देखिए स्टूडेंट ग्रुप आ गया, स्टूडेंट वॉकिंग आ गया, स्टूडेंट्स आ गया, स्टूडेंट स्टडिंग आ गया, स्टडी हम लेंगे, हमने क्योंकि पढ़ाई के ऊपर कुछ बात करी है, बस इतना लेना है। हमारे पास यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो आना शुरू हो गई। कैसे क्या करना है आपको मैं बताता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पर हमारे पास ये बच्चों की एक वीडियो है, कोई भी वीडियो आपको यहाँ से डाउनलोड कर लेनी है, दो चार वीडियो आप इसको डाउनलोड कर लें, जैसे मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। ये अपने हिसाब से आप यहाँ पर इसकी क्वालिटी को भी मैनेज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर डाउनलोड करके आपको दिखा दिया है, मैं इसको बैक कर रहा हूँ। ऊपर देखिए मेरी फाइल डाउनलोड हो भी चुकी है। इतना आपको कर लेना, आप दो तीन वीडियो अपने हिसाब से इसको निकाल लेना जो विजुअल्स आपको अच्छे लगे यहाँ से, ठीक है। अब आपकी स्क्रिप्ट रेडी है, आपके विजुअल्स रेडी हैं, अब आता है ऑडियो। इसका वॉइस ओवर ऑडियो आपको निकालना है। आप चाहो तो खुद से कर सकते हो, अगर आपकी आवाज़ है, नहीं है तो हम उसके लिए भी एक प्रबंध कर देते हैं। ये प्रबंध कैसे होगा, आपको वापस फिर से गूगल पे आ जाना है, यहाँ पर आपको सर्च करना है 11 लैब्स, और ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट AI वेबसाइट है, ये भी आपको यहाँ से जनरेट करके दे देगी। सबसे पहले वाले को आप ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर हिंदी सेलेक्ट कर देना, और भैया ये आपके आगे मैं डाल देता हूँ। ये हमें सिर्फ डेमो दिखा रहा है, कुछ हमने यहाँ पर ये डाल दिया। अब हम इसको प्ले करके आपको दिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है। ये मेरी वही कहानी है, छोटे छोटे बच्चे कमरे में बैठे हुए संघर्ष कर रहे हैं, इसी कहानी को मैं यहाँ पर प्ले करके सुनाऊंगा आपको। और यहाँ पर आपको वो पूरी की पूरी कहानी जो आपने कॉपी करी थी पेस्ट कर देना है, सिंपल सी चीज है। छोटे छोटे कमरे में बैठे संघर्ष करते हुए तन मन से धीरे धीरे दूर हो जाते हैं अपने सामाजिक जीवन से, वही चल रहा है दोस्ती यारी, ठीक है। आपको क्या करना है, डाउनलोड का एक ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को नजर आ रहा है, आप इसको सिंपल से इस ऑडियो को डाउनलोड कर लेंगे। देखिए ऊपर डाउनलोड भी हो गया है मेरा ये साउंड, बस ऑडियो भी आपका तैयार हो गया, विजुअल्स भी आपके तैयार हो गए, स्क्रिप्ट भी आपकी हो गई। अब आपको तो इसको सिर्फ जोड़ना है, इतना काम बचा है आपका। ये जोड़ने के लिए भी क्या करना पड़ेगा इसको भी हम समझा देते हैं। हमारे पास हमारा काइन मास्टर एप्लीकेशन है, आपके अलावा इसके अलावा कोई भी एप्लीकेशन हो आप यूज़ करो, जिस पे आपका अच्छे से हाथ बैठा है, वरना ये बहुत ईजी है, आपको मैं करके दिखा रहा हूँ, समझ भी पाओगे। एक नया प्रोजेक्ट ले लेना है, प्रोजेक्ट लेने के बाद हमें यहाँ पर 16:9 का रेशियो को यहाँ पर क्लिक कर लेना है। हमने जो सबसे पहले विजुअल्स लिए थे उन विजुअल्स को सबसे पहले यहाँ पर डाल लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए छोटे छोटे बच्चे हम यहाँ पर ले लेते हैं पहला विजुअल, दूसरा हम यहाँ पर ले लेते हैं, पहले विजुअल्स ही ले लेते हैं, फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको इसके अंदर क्या करना है। देखिए ये इसमें कोई भी साउंड नहीं है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए, तो आपको क्या करना है, इसको यहाँ पर ले लेना है 6-7 सेकंड 8 सेकंड तक का जो भी आप रखो। मैं इसको आधा पार्ट में कर लेता हूँ, आधे पार्ट में इसको यहाँ रख लेता हूँ, आधा पार्ट इसको मैं इधर से डाल देता हूँ। इतने इतने करके मैं पार्ट में इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से देख लेना भाई आपको कैसे क्या करना है। हम सिर्फ समझाने के लिए आपको इसको समझाना चाह रहा हूँ कि आप इसको कैसे कैसे ऐड करेंगे। देखो हमने यहाँ पर कुछ पार्ट्स ऐड कर लिए हैं, ये पार्ट्स मैंने क्यों ऐड करे हैं थोड़ा सा आगे चल के बताऊंगा, आप इस विजुअल्स को आगे पीछे कर सकते हैं सिर्फ इसलिए। अब आता है हमारा ऑडियो, हमने जो ऑडियो डाउनलोड करा है, सबसे पहले तो मैं डाउनलोड में जाके वो ऑडियो दिखा देता हूँ। छोटे छोटे कमरे में बैठे संघर्ष करते हुए, ये आ जाइए जी। अब हमारे पास हमारा ऑडियो भी आ गया है, ये वीडियो भी आ गई है, इसको हम थोड़ा सा प्ले करके देख लेते हैं क्या चल रहा है। देखो प्ले करेंगे तो छोटे छोटे कमरे में धीरे धीरे दूर हो जाते हैं अपने सामाजिक जीवन से। हमने इतना पार्ट कट करा है, अब इसको हम एक कट यहाँ से लगा देंगे, ठीक है। ये एक कट यहाँ पे लगा देंगे, इस वाले विजुअल्स को हम यहाँ से हटाएंगे और यहाँ इसको ये डाल देंगे, और ये वाला पार्ट हम यहाँ से ख़त्म कर देंगे। मैं ये क्यों बता रहा हूँ, हमारा ऑडियो का एक भाग यहाँ तक कंप्लीट हुआ है, इसीलिए हमने एक भाग में दो विजुअल्स को चला दिए हैं। आप अपने हिसाब से विजुअल्स ज़्यादा डाउनलोड कर लें, विजुअल्स मीन्स कि आप वीडियो वहाँ से ज़्यादा डाउनलोड कर लें, जो मैंने आपको बताई थी फ्री ऑफ कॉस्ट है, पिक्सा बेस है। हमने यहाँ पर दो वीडियो लगाई हैं एक ऑडियो के लिए, इसको थोड़ा सा और अच्छा बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हमने यहाँ पर सबसे पहले टेक्स्ट लेना है। टेक्स्ट लेने के बाद सेम वही चीज़ है जो हमने यहाँ पर ली है, अब हम यहाँ पर इसको मैं आपको दिखा देता हूँ,
ठीक है, ये हम पूरा पार्ट यहाँ से हटा देंगे और ये पूरा ही पूरा पार्ट यहाँ पे आ गया है। मैं आपको पहले सबसे पहले ये करके हटा दिखा देता हूँ कि हमें जो पार्ट है वो बेसिकली ये रखना है और ये हमने ख़त्म कर दिया। इतना पार्ट आ गया हमारा। यहाँ से हमें हमने अपना टैक्स लिया है, इस टैक्स को हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं और ये टैक्स क्यों यूज़ कर रहे हैं मैं आपको बताऊँ। ये देखिए हमने यहाँ पर इसको ये भी लगा दिया है और इसका एक एनिमेशन हम डाल देंगे। इसको हम पॉपअप में डाल देंगे या फिर हम इसको स्केल में डाल देंगे या फिर हम इसको हाँ ऐसे लिख देंगे या लेटर भी लिख देंगे तो भी हमें ये अच्छा लगेगा। अभी एक मैं क्यों कर रहा हूँ थोड़ा सा इसको समझाता हूँ मैं आपको। इसको पहले लेंथ इसकी खींच के हम यहाँ तक कर लेंगे। अब सुनिए पहले से, छोटे छोटे कमरे में बैठे संघर्ष करते हुए मन से धीरे धीरे दूर जाते हैं अपने सामाजिक जीवन से, अपने सामाजिक जीवन से। ठीक है, बस यहाँ तक हमारा पहला पार्ट हो गया सामाजिक जीवन से। हम इसके आगे की लाइन इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे, जैसे कि ये चल रहा है, दोस्ती यारी प्यार मोहब्बत वक्त कहाँ है, उनके पास घर जाना भी त्यज रखा है। ठीक है, बस इतना आपको यहाँ से रखना है और ये पूरे विजुअल्स को ऐसे ही ऐसे ऐड कर देना है। मैंने आपको स्टार्टिंग लेवल से ये करके दिखाया है कि भाई आप ये विजुअल्स को ऐड करेंगे कमरे में जाते हैं अपने सामान। बस इतना मैंने दिखाया है आपको, ये विजुअल्स पूरा बन के मैंने सिर्फ ये सिर्फ 23 सेकंड का है और ऑडियो हमारी 25 सेकंड की है। 25 सेकंड में ये कैसा प्ले हो रहा है, पूरी वीडियो कैसी आई है, ये सबसे पहले आप लोग सुन लो। छोटे छोटे कमरे में बैठे संघर्ष करते हुए तन मन से धीरे धीरे दूर हो जाते हैं अपने सामाजिक जीवन से, दोस्ती यारी प्यार मोहब्बत वक्त कहाँ है, उनके पास घर जाना भी त्यज रखा है। सफलता ही तो है आखिरी आस, कुछ बन जाने का ख्वाहब देखा है, कुछ बनकर ही घर जाने का ख्वाहब देखा है। संघर्ष इतना गहरा है कि अब तक मुकाम कदमों में पाते अगर ना होते उनकी राह। आई होप गाइज आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। ये पूरे ऑडियो को मैंने यूज़ करा है और इसके अंदर फिल्टर्स यूज़ करे हैं। इन फिल्टर्स के ही साथ मैंने बहुत नॉर्मल एडिटिंग करी है, जो मैंने आपको दिखाया भी था सेम वही एडिटिंग है, कुछ छेड़छाड़ नहीं करी है, सिर्फ मैंने स्क्रिप्ट को ऐड करा है इसके अंदर जो मैंने स्टार्टिंग में आप लोग को बताया था। ऐसे ही आप लोग ये वीडियो बना सकते हैं। अब इसमें आपका कोई फेस तो आया नहीं, इस वीडियो को भी अगर आप लोग देख रहे होंगे तो अब तक ये 10-12 मिनट की वीडियो बनी होगी और 10-12 मिनट में अगर आपका कंटेंट रेडी हो रहा है ये बहुत बड़ी बात है आप लोगों के लिए। एक यूट्यूबर के लिए स्टार्टिंग लेवल से काम करना ये बहुत अच्छी चीज़ है, आप ऐसे कर सकते हो। सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी पैसा कहीं भी आपको नहीं खर्च करना है। अगर आपको ये पूरी वीडियो यहाँ तक समझ में आ गई है तो वीडियो को एक लाइक कर देना गाइज। आप लोगों के लिए ऐसे ही कंटेंट में लेके आता रहता हूँ, इसलिए कमेंट में बताइए कि अगला टॉपिक क्या होना चाहिए। आज के लिए बस इतने दोस्तों, जय हिंद।